उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। हालात ये हैं कि केदारनाथ धाम के लिए बंपर यात्री आने के कारण रुद्रप्रयाग जिले में भी भारी जाम लगने लगा है, जिसके मद्देनजर सरकार और प्रशासन को अब यात्रियों को हरिद्वार ऋषिकेश में रोकने के बाद अब श्रीनगर और कीर्तिनगर में रोकना पड़ रहा है। यात्रियों को टिहरी के कीर्तिनगर और पौड़ी के श्रीनगर में रोकना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि यात्रा में यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने अस्थायी पार्किंग बनाकर वाहनों को श्रीनगर के एनआईटी ग्राउंड आवास विकास की भूमि पर पार्क करवाया है। पुलिस प्रशासन जगह जगह अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सही जगह रुकने और ठहरने की सलाह दे रहा है। खुद डीएम पौड़ी आशीष चौहान मोर्चा संभाले हुए हैं और देर शाम तक डीएम यात्रियों का हालचाल जानने और उनके भोजन पानी की व्यवस्थाओं में जुटे रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि रुद्रप्रयाग में अधिक मात्रा पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें श्रीनगर वापस भेज दिया है। अब यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए श्रीनगर गढ़वाल के नेत और चौबा क्षेत्र में उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान विशाखापट्टनम से चारधाम यात्रा में आए यात्री मनोज पांडे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस यात्रा को करने में बिल्कुल विफल नजर आ रही है। जिस तरह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश से आया हूँ विशाखापट्टनम समय से। जिस वक्त चारखंड ये चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, बहुत ही पहले शायद शुरुआती दिनों में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया ताकि मैं सुखल सफलतापूर्वक और सुखद तरीके से यात्रा पूरी कर सकूं। कल सुबह हमारा चौपर का रजिस्ट्रेशन है फाटा से। मैं अपने परिवार और परिजनों के सहित फंसा हुआ हूं। मैं 10 तारीख से यात्रा मैंने शुरू करी विशाखापट्टनम से, बाई एयर दिल्ली आया, दिल्ली से उत्तराखंड, हरिद्वार और ऋषिकेश तक समस्या नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जिन परेशानियों का सामना मैं कर रहा हूँ, शायद जीवन में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं महसूस किया इस 45 वर्ष की उम्र तक। और निश्चिततः मेरे जो परिजन हैं और जो लोग हैं उनको कहूँगा कि भगवान ने यदि सक्षम बनाया तो 4 लाख रुपये खर्च करके चारधाम यात्रा करिए, अन्यथा मत आइए, कल्पना मत करिए। वहाँ से हरिद्वार से आए यहाँ, वहीं पर रोक दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, 13-22 दुनिया भरे का फजीहत। और उसके बाद कैसे आदमी रजिस्ट्रेशन पाया, गाड़ी घोड़ा किया, वहाँ आके रास्ते भर चेकिंग, ये है तो है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, और गाड़ी जो है VIP गाड़ी, परिचित गाड़ी, उसको छोड़ दे रहे हैं। संबंध में रुद्रप्रयाग में चूंकि रश ज्यादा होने के कारण या वहाँ कंजेशन होने के कारण श्रीनगर में होल्ड किया जा रहा है। होल्डिंग एरिया में हम लोगों ने SDM और तहसीलदार और पुलिस के थ्रू हम लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं। साथ ही अगर रात में यात्रियों को रुकना होगा तो उन्हें कोई असुविधा न हो, इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। ADM और मैं भी जल्दी पूरी स्थिति का जायजा लेके जो अप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जाने होंगे।